नमस्कार दोस्तों, बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मेन मार्केट के रोज़ गिफ्ट सेंटर में। आइए इनके संचालक से बात करते हैं। सर, बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। दीपक जी, हमें ये बताइए कि कोरोना पिछले साल से लेकर अब तक की जो स्थिति है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम देखो, सबसे पहले तो हमें जो हमारी सरकार हमें जो गाइडलाइन दे रही है, हम लोगों को सबसे पहले तो उसको जो है अडॉप्ट करना चाहिए। नंबर एक, मास्क, सैनिटाइज़र, जो भी चीज़ है सरकार के माध्यम से। देखो, सरकार तो अपने लेवल पे जो काम कर रही है, लेकिन ये कोरोना तब तक नहीं हारेगा जब तक हम लोग खुद जागरूक नहीं होंगे। और इस जागरूक होने के लिए हमें सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर एक, हम लोग अपनी दुकान पर जो भी कस्टमर आता है, सबसे पहले तो उसको मास्क के लिए प्रोवाइड करते हैं। भाई, मास्क अपनी तरफ से भी हम लोग कोशिश करते हैं अभी मास्क दिया जाए, लेकिन नहीं तो हम कस्टमर को ये ज़रूर कहते हैं भी आप मास्क लगा के दुकान पे आएँ और अपने आप को बचाएं। भाई, खाली सरकार के वादों से या सरकार के कहने से कुछ नहीं होगा, ये हमें अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा इन चीज़ों को, तभी हम इस महामारी से बच पाएंगे। और सबसे बड़ी बात इस चीज़ की ये है कि लोग अभी जागरूक नहीं हैं। हम लोग यहाँ फिर भी देखते हैं, लोगों को कहते भी हैं, अपनी दुकान पर भी कहते हैं, मास्क जो है बहुत ज़रूरी है आपके। सैनिटाइज़, हम लोग कस्टमर आता है सैनिटाइज़ भी कराते हैं, मास्क के लिए भी कस्टमर को कहते हैं, लेकिन फिर भी हम तो आपके माध्यम से लोगों को यही चीज़ कहना चाहते हैं कि मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। यदि आप सैनिटाइज़र आपके पास इजीली अवेलेबल नहीं है, तो कहीं भी यदि हाथ धोने के लिए पानी है तो उस पानी का प्रयोग करें, लेकिन अपने आप को सेव करें तभी। नहीं तो ये महामारी गरीब तबके को, हमारे जैसे दुकानदारों को, जो हमारे थ्रू हमारे पर लेबर लगी हुई है, उन सबको इफ़ेक्ट करेगी। और ये जो महामारी है पहले की महामारी से अधिक ज़्यादा है ये महामारी, इसलिए हमारी तो आपके माध्यम से यही लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं और सैनिटाइज करें। पिछले वाली स्थिति के बारे में बताइए सर, लॉकडाउन हुआ था तो क्या कुछ फेस किया था? फेस ये हुआ जी, अब दुकानें थी, दुकानें महीने में 31 दिन बीच में बिल्कुल ही डाउन हो गया था कारोबार। अब कारोबार डाउन हो गया तो उसका हमारे पास जो एम्प्लॉइज लगे हुए थे उन सब पे फ़र्क पड़ा। हम लोगों ने ये अभी शुरू के कुछ महीने एक आधे महीने की सैलरी काट के, बाकी तो हमने भी उन्हें 50% सैलरी दी है जी। कई दुकानदारों ने, हमने बाज़ार में अपने व्यापार मंडल की मीटिंग करी थी तो उन सब दुकानदारों ने कहा भी 70% सैलरी इनको दे दी जाए, भाई 30% काट ली जाए, ताकि उनके पास और कोई इनकम सोर्स नहीं है। तो इसका यही है भाई, हम तो अब यही लोगों से करते हैं भी हमारा भी ध्यान करें, अपना भी ध्यान करें और सैनिटाइज़र और उसका प्रयोग करें, ताकि ये महामारी गरीब तबका या लेबर क्लास जो भी लोग हैं उन सबको इस महामारी से बचाओ। आगे क्या, अगर लॉकडाउन लगता है तो आगे की स्थिति क्या रहने वाली है? देखिए मैम, जो पिछला लॉकडाउन था उसके अंदर हमने काफ़ी सेवा करी है लोगों की, तो हमने उस समय ये चीज़ें देखी हैं कि लोगों के पास मतलब खाने को तो क्या, रहने को घर भी नहीं थे। मतलब हमने, मतलब मैं और मेरे जो दो तीन भाई हैं, हम लोग क्या करते थे, हम लोग गरीब लोगों को खाना हो गया, मतलब जैसे भी जो भी हम लोग प्रोवाइड करा सकते थे हम रोज़ जाकर प्रोवाइड कराते थे उनको, ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह देने, या रोटी होगी, सब्जी होगी, मतलब डेली का हमारा 200-300 लोगों को हम दूध रोटी देते थे। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आगे दोबारा इस चीज़ का मतलब इफ़ेक्ट हुआ, लॉकडाउन हो गया, तो उन लोगों के लिए अब उन लोगों के पास कुछ नहीं ऐसा बचा कि वो लोग कुछ इस चीज़ से कमा पाएंगे। तो मतलब जो भी अब लोग वो लोग इकट्ठा कर चुके हैं, वो जो अब आगे लॉकडाउन वैसा ही हो गया, वैसी ही स्थिति दोबारा होगी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा सब लोगों के लिए। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर दुकानदारों का कहना है कि वो तो अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा बरत रहे हैं और दूसरों को भी सुरक्षित रहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अगर दोबारा लॉकडाउन की स्थिति आती है तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। बी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ नगेंद्र शर्मा।